नमस्कार। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें। आजकल तो यही सब हो रहा है कि बहुत सारा बच्चा पढ़ाई को लेकर या अपने काम को लेकर या घर परिवार को लेकर या बुजुर्ग भी बहुत सारा ऐसे है लोग कि डिप्रेशन में जा रहा है लोग, सब किसी को डायबिटीज हो रहा है। हर किसी के मुंह से सुनिए कि क्या है तो मुझे डायबिटीज ही हो गया है। ये सब क्या है? इस सब तनाव का ही कारण, तनाव के कारण ही सब हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, हम लोगों को एकदम तनाव मुक्त रहना है। अब कल मान लीजिए हम ही आप लोगों को इतना समझा रही हूँ, बता रही हूँ, और क्या हुआ मेरे साथ, एक बहुत बड़ी बात हो गई कि मैं मेरे उम्मीद से परे कुछ काम हो गया। मैं सोची थी कि ये काम इस तरह से होगा और वो काम ठीक उसके उल्टा हो गया। मान लीजिए उस काम से कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी कुछ उल्टा ही हुआ। अब क्या था, मुझे, मैं जो इतना सब कुछ आप लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, मुझे जब इतना बोझ हो गया, मैं बहुत अनुभव के साथ मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ कि जो क्या होता है, हम लोग किसी भी बात का उम्मीद जो करते हैं किसी से भी, अपने रिश्तेदारी से, अपने बाल बच्चा से, या अपने पति से, या किसी से भी जिसका उम्मीद करते हैं, ठीक उसके विपरीत जब वो परिणाम मिलता है तब तो जाके हम लोगों को बहुत ठेस लगती है। और हम लोग वो रात भर हमारे दिमाग में रहेगा, एक दिन दो दिन चलता रहेगा, जितना ही बड़ा बात होगा उतना ही चलता रहेगा, उतना ही चलता रहेगा। तो यही कारण है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है और हम लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। बहुत लोग सारा डिप्रेशन में जा रहा है। तो यही बात मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि आप लोग कुछ भी उम्मीद मत कीजिए, और यदि हो भी जाता है तो आप लोग इसे एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं, इसको ऐसे ही भगवान जो लिखे हैं वही होगा, कि भगवान ऐसे लिखे थे वो हो गया। आज हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, कोई भी चीज़ हम लोग को मिलता है तो आज बहुत बुरा लगता है, लेकिन कल वही चीज़ हम लोगों के लिए भगवान बेहतर के लिए सोचते हैं। तो इसी से हम लोगों को डिप्रेशन में नहीं जाना है, हम लोगों को उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है और ज़्यादा उस पर विचार नहीं करना है, अपने मन को भारी नहीं बनाना है। अपने माथा के ऊपर लगता है कि एक बोझ सा हो गया है, मैं अपना ही बात कर रही हूँ कि मुझे लगता था कि एक बोझ हो गया है, तो फिर जैसे तैसे करके मैं तो इतना सब कुछ जान रही हूँ, आप लोगों को भी बता रही हूँ, और इतना सब कुछ जानते हुए भी मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मैं यहीं आप लोगों से भी बताना चाह रही हूँ कि मेरे बहुत जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने ऊपर किसी से उम्मीद का कोई नहीं रखें। उम्मीद तो रखना ही नहीं है, किसी कोई भी काम में उम्मीद नहीं रखना है। यदि आप उम्मीद छोड़कर काम कर रहे हैं तभी तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है और आपको तनाव नहीं होना है। तो यही बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कोई जो भाई बहन भी मेरा ये वीडियो देख रहा है वो एकदम इस पर एकदम ध्यान देगा कि उसे डिप्रेशन, उसे किसी भी बात का तनाव नहीं करना है, बोझ के तरह उसको नहीं लेना है। जो हो गया वो हो गया, जो बीत जाएगा वो बीत जाएगा, जो आ रहा है वो आ रहा है, जो जाएगा वो जाएगा। बस आप लोगों को सिर्फ अपने जीवन को सरल से सरल जीवन यापन करना है और किसी बात की उम्मीद नहीं रखनी है। जो कोई भी कुछ कह रहा है उसको इग्नोर करना है, तभी जाकर हम लोगों की ज़िंदगी अच्छा से बन सकती है और हम लोग अपना ज़िंदगी को तनाव मुक्त रख सकते हैं और हमें डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़ेगा और हम लोग सुख सुविधा से रहेंगे और सुख सुविधा से हम लोग अपना समय व्यतीत करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।